जैसा कि हम जानते हैं, सिकंदर दुनिया जीत लेना चाहता था और इसी इरादे से भारत पर आक्रमण करने के लिए उसने सिंधु नदी पार कर तक्षशिला तक का सफर तय किया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिकंदर एक महान योद्धा था जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी बिना युद्ध लड़े हार मान लेते थे। ऐसे में एक योद्धा पोरस, जिसने सिकंदर का पैगाम ठुकरा, घुटने टेकने को मना कर युद्ध को चुना। जब सिकंदर अपनी हजारों सैनिकों की विशाल सेना को लिए झेमन नदी की ओर बढ़ा, तब वो जानता था कि नदी की दूसरी ओर उसका सामना एक ऐसे महावीर से था जो हार का स्वाद ही नहीं जानता। कहा जाता है कि सिकंदर की सेना पोरस के मुकाबले 5 गुना अधिक थी। पोरस युद्ध के दौरान एक विशालकाय हाथी पर सवार हो सेना का संचालन करता रहा। वह बहादुरी से अंत तक लड़ता रहा और सिकंदर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। सिकंदर भी पोरस की यह बहादुरी देखकर दंग रह गया। इससे पहले किसी भी राजा ने उसे इतना कड़ा मुकाबला नहीं दिया था। इस युद्ध के बाद माना जाता है कि पोरस की बहादुरी देखकर और उनकी सेना के भय से सिकंदर के योद्धा इतना डर गए कि वो भारत में आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहते थे।